बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए आज एक बार फिर हम ईएफएफ के सेकेंड ग्रुप के मनी एंड बैंकिंग सिस्टम का चैप्टर जो हम पहले बात कर रहे थे, पूर्व में हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति की अवधारणा, मुद्रास्फीति किन कारणों से पैदा होती है, मुद्रास्फीति के क्या प्रकार हैं, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और सरकार किस प्रकार इसको नियंत्रित करती है। उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा संकुचन की। मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था और अक्सर इस पर क्वेश्चन आया करते हैं, आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। तो मुद्रा संकुचन क्या है, अगर आपने मुद्रा स्फीति अच्छी तरह कर ली है तो आप मुद्रा संकुचन को इजीली कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल मुद्रा स्फीति का उल्टा है मुद्रा संकुचन। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है डिफ्लेशन, जैसे पूर्व में हमने देखा था। तो मुद्रा संकुचन की हमने अवधारणा की बात की थी, अब उसी के आगे हम बात कर रहे हैं मुद्रा संकुचन के कारण, प्रभाव और उपायों की। मुद्रा स्फीति किन कारणों से पैदा होती है, जिन कारणों से मुद्रा स्फीति पैदा होती है उसके ठीक विपरीत कारणों से मुद्रा संकुचन पैदा होता है। तो मुद्रा संकुचन के क्या कारण है, आप देखिए 5-6 कारण है। उसमें पहला है मुद्रा तथा साख की मात्रा में कमी, करारोपण, बला ऋण, उत्पादन या पूर्ति में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि और निजी विनियोग में गिरावट। यानी कारण क्या होते हैं, जब बात कोई है, जब एक तरफ आपकी मौद्रिक आय तो कम हो जाती है और दूसरी तरफ उत्पादन ज्यादा हो जाता है, तो एक गैप होने के कारण, उत्पादन का जो कि ज्यादा होने के कारण, पूर्ति में वृद्धि होने के कारण कीमत स्तर में कमी आ जाती है, इसके कारण मुद्रा संकुचन पैदा होता है। और मौद्रिक आय में कमी के बहुत सारे कारण हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर सरकार द्वारा करारोपण, एक पॉइंट हम ले रहे हैं कि सरकार जब करारोपण की मात्रा बढ़ा देती है, टैक्सेशन की मात्रा बढ़ा देती है, जबरदस्ती फोर्सफुली जब ऋण लेती है जनता से, तो जो क्रय शक्ति जनता के पास होती है वो क्रय शक्ति सरकार के पास चले जाने से, क्योंकि अब वो कीमत, अब वो ज्यादा मात्रा में परचेज नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में कीमत स्तर में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं जितने भी कारण है, पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, किन कारणों से पूर्ति ज्यादा हो गई है, लेकिन चूंकि मांग नहीं है तो फिर गैप हो गया है और कीमत स्तर गिरने लगता है। बैंकों द्वारा मुद्रा की मात्रा में कमी कर दी जाती है, साख कम दिया जाता है, रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की मात्रा में कमी कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में तब भी लोगों के पास में क्रय शक्ति कम हो जाने से मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा हो जाती है। सरकारी व्यय में कमी, अब जैसे मैंने पूर्व में कहा था मुद्रा स्फीति के समय कि सरकार का जो व्यय है वो जनता की आय है। सरकार खर्च किस पर करती है, सरकार जनता पर खर्च करती है, जनता के कल्याण पर खर्च करती है, उसका खर्च एक तरह से लोगों की इनकम है, उनकी आय। तो ऐसी स्थिति में जब वो कम कर देती है तो उनकी आय में कमी हो जाती है, जिसके कारण वो वस्तुओं को नहीं खरीद पाते हैं और कीमत इससे गिरने लगता है। और इसी प्रकार निजी विनियोग में भी गिरावट आनी शुरू हो जाती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है कम हो जाता है। तो तीसरे देश में उत्पादन की मात्रा में कमी, रोजगार की मात्रा में कमी, सब होने लगता है, आय कम हो जाती है और धीरे धीरे संकुचन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो बहुत ईजी है, इसके कारण हमने देखे और उसके बाद में हम बात करते हैं इसके प्रभावों की। जो प्रभाव मुद्रा स्फीति के थे उसके उल्टे प्रभाव पड़ते हैं मुद्रा संकुचन के। मुद्रा संकुचन के प्रभाव देखिए, विनियोजक, उद्योगपति, कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग, सारे वर्ग हमने लिए हैं, जितने जो हमने लिए थे, और हरेक को लगभग इसमें नुकसान ही है। यानी हम ये कहते हैं कि वैसे गिरा अच्छी बात है, लेकिन कीमत स्तरों का बहुत ज्यादा गिरना अच्छी बात नहीं होती है, ये मंदी की स्थिति पैदा कर देती है, व्यापारी को नुकसान होने लगता है, जब उत्पादन की मात्रा ज्यादा होती है लोग खरीदते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको धीरे धीरे उनके लाभों में कमी आ जाती है। उसी प्रकार उद्योगपति इंडस्ट्रीज जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यानी व्यापारियों के, उद्योगपतियों के, कृषकों के, कृषकों को हम कह रहे थे लाभ होता है, लेकिन आखिर में जब उनके उद्योगों द्वारा जो माल लिया जाता है वो जब नहीं लिया जाता, धीरे धीरे उनके पास जब माल रह जाता है, फसलें रह जाती हैं, जो भी रॉ मटेरियल उनके पास में होता है उद्योगों के लिए, उसमें जब उसकी मांग नहीं होने के कारण उनकी कीमत स्तर में गिरावट आ जाती है और किसानों को नुकसान होने लगता है। इसी प्रकार जो व्यापारी वर्ग है, इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स भी दो प्रकार के हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था मुद्रास्फीति के समय, मुद्रास्फीति के समय हमने बात की थी कि दो प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक तो वे जो निश्चित आय वाले होते हैं, एक वे जो फ्लक्चुएट होते हैं, इनकी आय फ्लक्चुएट होती है, जैसे
डिवेंचर होल्डर्स होते हैं जो निश्चित ब्याज की दर जिन्हें प्राप्त होती है या जिन्होंने एफडी करा रखी है निश्चित ब्याज की दर प्राप्त हो रही है, उसी प्रकार एक वो है जो कि जिनकी आय फ्लक्चुएट होती है, लाभांश जैसे हम बात करते हैं कंपनी द्वारा दिया जाने वाला लाभांश। तो लाभांश जब कंपनी की आय में गिरावट आती है तो नेचुरली उनके लाभांश की मात्रा में कमी आ जाती है, तो इन्वेस्टर्स को भी इसमें नुकसान ही है। तो फिर आप देखिए आगे उपभोक्ता, श्रमिक, रोजगार, श्रमिकों क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक तो हम कहते हैं कि श्रमिकों को मुद्रास्फीति में फायदा है, लेकिन धीरे 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 जब श्रमिकों को भी इसका नुकसान होने लगता है, क्योंकि जब उद्योगपतियों को इसका नुकसान हो रहा है तो निश्चित रूप से श्रमिकों की जो लेबर है या जो वेजेस है उसको भी वो कम कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान होने लगता है। रोजगार में कमी आ जाती है जब उत्पादन ठप पड़ा या उत्पादन यूं ही पड़ा है और उसका कोई मांग ज्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली रोजगार में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो श्रमिक को रोजगार में प्रभाव पड़ रहा है। उपभोक्ता सामान्य जनता पे हम ये कहते हैं कि उपभोक्ता को तो लाभ होना चाहिए कायदे से, तो क्योंकि कीमत से गिर रहा है तो कम कीमत पर उपभोक्ताओं को फायदा होता है, लेकिन ये एक हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। क्योंकि धीरे धीरे होता क्या है कि जब आप मंदी की स्थिति हो जाती है तो बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा 2008 में, मैंने आपसे फर्स्ट ईयर में भी बात की थी कि 2008 में अमेरिका में एक मंदी फैली थी, अमेरिका से मंदी की स्टार्ट हुई थी और वो मंदी पूरे वर्ल्ड में फैली थी, भारत भी सचुता नहीं रहा, काफी लंबे समय तक वो मंदी चलती रही और उसके परिणाम बताया कि उसमें बेरोजगारी बढ़ने लगती, लोगों को काम से निकाल दिया जाता है। और अभी भी आपने देखा होगा कोरोना में भी एक प्रकार से मंदी की स्थिति पैदा हो गई। तो मौद्रिक उपाय वे उपाय हैं जो कि मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करते हैं। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, और साख की मात्रा में वृद्धि देश के व्यापारी बैंक करते हैं, हमारे यहाँ कॉमर्शियल बैंक द्वारा जब लोन दिया जाता है, क्रेडिट दी जाती है, तो उससे पुनः जो एक मंदी की स्थिति होती है कुछ हद तक उसे हम उबर सकते हैं। दूसरे उपाय जो है राजकोषीय उपाय है, जैसे आपने देखा मुद्रास्फीति में भी उसका बिल्कुल उल्टा है। राजकोषीय उपाय में हम क्या करते हैं, सरकार द्वारा क्या किया जाता है, करों में छूट दे दी जाती है, जैसे करारोपण की बात की थी, तो वापस पुनः करों में छूट देने से जो आय सरकार के पास चली गई थी वो पुनः जनता के पास में आ जाती है। सार्वजनिक कार्यों पर वृद्धि की जाती है, सार्वजनिक कार्य जैसे सड़कों का निर्माण है, पुलों का निर्माण है, भवनों का निर्माण है, ऐसे और भी कई प्रकार के सार्वजनिक कार्य हो सकते हैं जिससे व्यय में वृद्धि होने से कई लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, उनकी आय वृद्धि होती है। इसी प्रकार जो ऋण सरकार द्वारा ले लिए गए थे जनता से उन्हें पुनः लौटाया जाता है ताकि उनके पास क्रय शक्ति वृद्धि हो, उन्हें सब्सिडी दी जाती है, ये भी है, जैसे मैंने भी बताया कोरोना काल की बात की हमने, एक प्रकार से वो आर्थिक सहायता है, एक पैकेज दिया गया कितने लाख करोड़ का, तो वो एक प्रकार से मंदी से उबरने का एक रास्ता है, संकुचन से उबरने का रास्ता होता है। मुद्रा का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत निर्यात बढ़ जाते हैं देश के और आयात कम हो जाते हैं, तो जब निर्यात बढ़ेंगे दूसरे देश में हमारी वस्तुएं जाएंगी तो हमारे देश में वस्तुओं की यहां कमी हो जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा, हमारे यहाँ पे वापिस जो कीमत स्तर कम हो गया था वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी मांग बढ़ेगी, आप ऐसे कई वस्तुएं देखते होंगे कि जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होती हैं और उनके एक्सपोर्ट होने के कारण, जैसे चाय है, चाय कितनी कीमत है हमारे यहाँ पर, जबकि चाय का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत, लेकिन चूंकि वो निर्यात किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी कीमतों में वृद्धि रहती है। तो ये भी सरकार द्वारा अमूल्यन किया जा सकता है, हालांकि अमूल्यन करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ सीमा तक इससे हम उबर सकते हैं। और सरकारी क्रय को प्रोत्साहन, सरकार खुद के क्रय, सरकार द्वारा जो परचेजिंग होती है, जैसे कई बार लघु उद्योगों में जो वस्तुएं निर्मित होती हैं सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए क्रय किया जाता है, खादी की बनी हुई चीजें, तो इससे धीरे 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 पुनः उत्पाद व्यापार उद्योग की स्थिति सुधरती है और लोगों को रोजगार मिलता है, आय में वृद्धि होती है। तीसरे प्रकार के उपाय भी उपाय जो भौतिक है या जिसको गैर भौतिक उपाय कह सकते हैं, जिनमें अतिरिक्त उत्पादन का विनाश, यानी बहुत ज्यादा जो उत्पादन हो जाता है तो उसका विनाश कर दिया जाता है। आप कई बार देखते होंगे हमारे यहाँ पर कई वर्ष पूर्व गन्ने की फसल को यूपी में यूं कई लोगों ने, किसानों ने जला दी थी, देखते ही देखते इसका अतिरिक्त टमाटर कई बार इतना सस्ता हो जाता है कि टमाटर को कई बार उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। अमेरिका में ऐसा बहुत कई बार ऐसे किया जाता है, वह आम बात है,
और इसलिए किया जाता है ताकि मांग और पूर्ति में एक बैलेंस बना रहे। बहुत ज्यादा जब कीमत जब पूर्ति बढ़ जाती है तो कीमत इस तरह जबरदस्त गिर जाता है जिससे किसानों को नुकसान होने लगता है। अतिरिक्त उत्पादन विकास की निर्यातों को प्रोत्साहन, ये सभी हमने बात की है कि ये वही बात है, लेकिन इसमें हम बिना अपमूल्य के निर्यातों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। हमारे यहाँ से बनी चीजों को बाहर जाने की हम कोशिश करते हैं जिससे कि धीरे धीरे हमारे देश में जब अभाव होगा तो उनकी कीमत स्तर में थोड़ा सा सुधार होगा। निर्यातों तथा आयातों पर प्रतिबंध और इम्पोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन कर दिए जाते हैं जिससे देश में वस्तुएं जब कम आएंगी तो निश्चित रूप से उनकी कीमत स्तर में वृद्धि होगी और विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। और हम जितना कोशिश करते हैं फॉरेन कैपिटल यहाँ आएगी तो फॉरेन कैपिटल यहाँ टेक्निक लेकर आती है, उसकी सहायता से हम उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, उत्पादन वृद्धि कर सकते हैं, रोजगार को बढ़ा सकते हैं। तो फॉरेन कैपिटल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है मुद्रा संकुचन से निकलने में। तो कुल मिलाकर ये सारे हमने आज बात की मुद्रा संकुचन के क्या कारण होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं और उसको किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। तो ये आज आप इसको अच्छे से देखें। अगली बात हम बात करेंगे दोनों में कंपेरिजन करेंगे और जो कोटेशन आते हैं उसके बारे में आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।